एपिसोड की शुरुआत में लॉम अपने ऑफिस में था और वह वहाँ पर भी बस नुआ के बारे में ही सोच रहा था। और फिर वह कहता है वह कितना ज़्यादा क्यूट है। दूसरी तरफ नुआ अपने ऑफिस में लेजी होकर पड़ा था, तो नुआ को देखकर सभी कोलिग्स बातें करने लगती हैं। सेम कहती है आज नुआ को क्या हो गया। यही कहते हैं मुझे नहीं पता, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ बस ये ऐसे ही पड़ा है। तभी दूसरा कॉलेज कहता है कहीं फिर से उस दूल्हे ने कुछ करने को तो नहीं कहा। तो इस पर ए कहता है बिल्कुल नहीं, लॉम ने तो बस उसे अपने लिए ड्रेस चूज करने के लिए साथ चलने को कहा था। तभी नुआ के पास लॉम का मैसेज आता है, लेकिन वह उसे रीड नहीं करता और फिर से सो जाता है। जेम नुआ के पास आकर उसे आवाज़ लगाती है, नुआ कोई रिएक्ट नहीं करता। तो जेम नुआ को हिट करती है और कहती है तुम्हें क्या हो गया, मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। नुआ कहता है यहाँ पर कोई रूल नहीं है, अगर जवाब नहीं देंगे तो आप मेरी सैलरी कट कर लेंगे। जेम कहती है तो तुम अब मुझसे उल्टी बातें भी करने लगे हो। और फिर से उसे हिट करती है और कहती है बताओ तुम्हें हुआ क्या है। नुआ कहते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ। यही कहता है ओ प्लीज़ तुम हमसे झूठ तो भूलो ही मत, तुम ये सब कहोगे और हम तुम पर विश्वास कर लेंगे। उस दिन भी तुमने इवेंट में दूसरे रंग के फ्लावर ऑर्डर कर दिए थे, कपल्स को वाटर प्योरिंग सेरेमनी चाहिए थी लेकिन तुमने चाइनीज टी सेरेमनी की डिटेल्स उनको दी थी। और तो और तुमने क्लाइंट्स को भी कलर डिटेल्स सेंड की थी और तुम ये तब तक करते रहे जब तक क्लाइंट ने ये कंप्लेन नहीं किया कि उनका इवेंट 60 साल के बर्थडे पार्टी की तरह लग रहा है। नुआ कुछ नहीं कहता और जेम से कहता है उसकी अपॉइंटमेंट है और यह कहकर वह बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वह लॉम का मैसेज देखते हैं, लॉम ने कहा था क्या तुम मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करने आ रही हो। तो नुआ हाँ कह देता है और कहता है कि मैं लोकेशन सेंड कर दूंगा। तो इस पर लॉम कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऑफिस पिकअप करने आ जाऊंगा। नुआ के दिल में कुछ होने लगता है तो वह खुद को समझाते हुए कहता है वह बस तुम्हें एज ए वेडिंग प्लानर अपने साथ बुला रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी या तो तुम लोगों के साथ जाएगी। लेकिन फिर भी नुआ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तो वह कहता है लेकिन फिर भी मेरा दिल इतना ज़्यादा जोर से क्यों धड़क रहा है। अब जब लॉम नुआ को पिकअप करने ऑफिस आता है तो नुआ गाड़ी में बैठते ही कुछ ढूंढने लग जाता है। लॉम कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। नुआ कहता है यह कहाँ पर है। तो इस पर लॉम कहता है वो हमारे साथ नहीं आ रही, मैं ही बस तुम्हें यहाँ पर पिकअप करने आया हूँ। नुआ कहता है तो क्या यह हमें आगे ब्यूटिक में ज्वाइन करने वाली है। इस पर लॉम कुछ नहीं कहता और बस नुआ की तरफ स्माइल कर देता है और फिर कहता है तुम आगे आकर बैठ जाओ क्योंकि मैं ड्राइवर नहीं बनना चाहता। तो फिर नुआ आगे आ जाता है और लॉम से कहता है तुम्हें मुझे यहाँ आकर पिकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ब्यूटिक में भी मिल सकते हैं। तुम यहाँ आओगे मुझे पिकअप करने, मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो इस पर लॉम कहता है अगर तुम्हें बुरा ही लग रहा है तो तुम मुझे रिपे कर सकते हो। नुआ कहता है तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। लॉम कहता है क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया। नुआ कहता है नहीं, बस मैंने थोड़ा बहुत ही खाया था। लॉम कहता है अच्छी बात है, अब हमें चलना चाहिए वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। नुआ हाँ कहता है। रास्ते में वो लोग अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं, नुआ अपने लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है। लॉम पूछता है क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए। नुआ कहता है नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी है। लॉम स्माइल करता है और कहता है हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है। लॉम उस खाने के पैसे देने लगता है तो नुआ लॉम को मना करते हुए कहता है ये गलत बात है, मैं अपने क्लाइंट से कभी भी पैसे नहीं लेता। लॉम कहता है लेकिन मैंने ही तुम्हें खाने के लिए फ्रोज किया था तो पैसे तो मैं ही दूंगा, और वैसे भी मैंने कहा था ना कि तुम्हें मुझे रिपे करना है। तो नुआ कहता है आपको रिपे करना है, ये आप क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं नुआ को लॉम को खाना खिलाना पड़ रहा था। तो वह खुद से कहता है अगर मुझे पता होता कि मुझे ये सब करना है तो फिर मैं और भी महंगा खाना ऑर्डर करता। तभी लॉम नुआ से कहता है प्लीज़ तुम अपने हाथ को हिलाओ मत, मैं खाना नहीं खा पा रहा। नुआ को बहुत गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वह कंट्रोल कर लेता है। नुआ ने क्योंकि अपनी आंखें बंद कर रखी थी तो उसके हाथ से खाना छूट कर लॉम के पैंट पर गिर जाता है। नुआ जब देखता है तो वह उसे क्लीन करने लगता है। लॉम नुआ को मना कर रहा था और इसी चक्कर में लॉम और नुआ के सर में चोट लग जाती है। नुआ लॉम के गालों को पकड़ता है और फिर कहता है आई एम सॉरी, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। लॉम कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए।
और अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा बुरा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे अच्छे से खिलाओ, क्योंकि मैं गर्म खाना नहीं खा सकता। नोआ कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको खिला पाऊँगा। तो लोम ओवर एक्टिंग करने लगता है और कहता है, लगता है मेरे सर पर निशान हो गया है। नोआ, तुम्हारा सर तो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। नोआ कहता है, फाइन, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ लेकिन लास्ट बार खिलाऊँगा। तो फिर लोम स्माइल करने लगता है। अब नोआ लोम को खाना खिलाने लगता है। तो लोम नोआ का हाथ पकड़ता है और फिर बाइट ले लेता है। तो नोआ कहता है, ये दूल्हा तो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर नोआ लोम को और ज़्यादा खाना खिलाने लगता है। अब वो लोग ब्यूटी का आ चुके थे। नोआ जब कार से निकलने ही वाला होता है तो लोम नोआ का हाथ पकड़ लेता है और उसके नज़दीक जाने लगता है। नोआ को लगता है कि लोम उसे किस करने वाला है। तो वह कहता है, मिस्टर लोम, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ नहीं करना चाहिए। लोम नोआ के नज़दीक जाता है और उसके लिप्स पर लगे हुए सॉस को पोंछ देता है। और फिर लोम कहता है, मैं तो बस तुम्हारे लिप्स से ये सॉस निकाल रहा था और तुम क्या कह रहे थे, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। नोआ ने अपनी आँखें बंद कर रखी थी और वह खोल कर कहता है, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं और ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके हाथ बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे हो रखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी एसी को छू रहा हूँ, इसीलिए मैंने वो सब कहा था। और यह कहकर नोआ गाड़ी से बाहर निकल जाता है और फिर खुद से कहता है, कोई नहीं कहेगा कि तुम किसी दूल्हे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ये गलत बात है। और फिर नोआ अपने आप को शांत करता है, लेकिन फिर भी नोआ की नर्वसनेस की वजह से उसका हाथ सेक करने लगता है। तो नोआ अपने हाथ को रोकता है। दूसरी तरफ लोम के पास या मैसेज करके कहती है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाए। तो लोम उसे थैंक यू कहता है और फिर लोम अपने हाथों में लगे सॉस को खाने लगता है और फिर कहता है, लोम, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। और फिर उसे हैंकी से पोंछ लेते हैं। या लोम का मैसेज रीड करने के बाद कहती है, लगता है आज दूल्हा काफ़ी ज़्यादा खुश है। और हमें यहाँ पता चलता है या कि एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मरीन है, जो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। तो या मरीन को मनाने लगती है। मरीन या से कहती है, मेरी गर्लफ्रेंड शादी करने वाली है, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो किसी और से शादी करेगी और मैं खुश रहूँगी। या कहती है, कमोन, पिलोम कोई दूसरा नहीं है। तो इस पर मरीन कहती है, तुम जानती हो पिलोम हमारे बारे में अच्छे से जानता है, और फिर भी मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। मुझे तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना होगा जो मैं नहीं देख सकती। तो इस पर यह कहती है, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि मैं शादी कैंसिल नहीं कर सकती। मरीन कहती है, हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ। दूसरी तरफ जब नोआ को पता चलता है कि यह ब्यूटिक नहीं आई है तो वह लोम से कहता है, दुल्हन नहीं आई है, इसका मतलब क्या है? तो इस पर लोम कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि यह हमारे साथ नहीं आ रही है, सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ चलूँगा। वो अपने लिए खुद से अलग आकर ड्रेस सेलेक्ट करेगी। तो इस पर नोआ कहता है, तो आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? लोम कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा था कि यह भी हमारे साथ आ रही है? नोआ कहता है, लेकिन आपने खुद ने ही तो कहा था कि यह हमें। तभी नोआ को याद आता है लोम ने मैसेज में सिर्फ अपने बारे में ही जिक्र किया था। तो वह लोम से कहता है, हाँ आपने ये नहीं कहा था कि यह हमें ज्वाइन करेगी, इसमें मेरी ही गलती है, मैंने खुद से ही सोच लिया। लोम कहता है, हाँ मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यह भी आज हमारे साथ आने वाली है। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा मत होना। लोम इतने क्यूट तरीके से कहता है कि नोआ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और फिर वह खुद से कहता है, नोआ पागल मत बनो, तुम कैसे सोच सकते हो कि वह क्यूट है? और फिर वह लोम से कहता है, माफ़ी तो मुझे माँ आपसे मांगनी चाहिए, इनफेक्ट मुझे तो आप पर नाराज़ होने का कोई हक भी नहीं है, मुझे बस ये डर था कि आप अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट नहीं करेंगे। और वैसे आपको वेडिंग ड्रेस को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर दुल्हनें अपनी वेडिंग ड्रेस को लेकर अपनी चॉइस बदलती रहती है। और क्या मिसिया सच में यहाँ पर वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने आ जाएगी? लोम कहते हैं, हाँ वह इस वीक अपने फ्रेंड के साथ यहाँ आकर वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर लेगी, तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि याने पहले ही अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस सोच रखी है। और इंगेजमेंट सेरेमनी के लिए ड्रेस वो सब मेरी फैमिली देख लेगी। तो नोआ कहता है, ठीक है तो अब हमें ड्रेसेस सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। और यह कहकर नोआ लोम को एक बुक देता है। तो लोम नोआ का हाथ पकड़ लेता है और फिर नोआ से कहता है, थैंक यू आज मेरे साथ यहाँ आने के लिए, क्योंकि
क्योंकि अगर तुम नहीं आती तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। और वेडिंग ड्रेस के लिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे लिए कुछ अच्छा ही चूज करोगी। नुआ कहता है तो फिर हमें अब स्टार्ट करना चाहिए। और फिर लोम नुआ को ड्रेसेस पहन पहन कर दिखा रहा था, लेकिन नुआ को कोई भी पसंद नहीं आती और बस वह नेक्स्ट नेक्स्ट ही किए जा रहा था। लोम काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वह थक कर बैठ जाता है। नुआ लोम के पास आकर कहता है अभी तो हमने पहला स्टोरी देखा है और आप इतने में ही थक गए। लोम कहता है पहला हो या आखिरी, अगर मैंने एक और बार नेक्स्ट सुना तो फिर मैं शादी ही नहीं करूँगा। नुआ लोम के पास लाकर उसके बहुत सारे पिक्स रखता है। तो लोम कहता है ये पिक्स तुमने कब ली? नुआ कहता है ये एक सीक्रेट है, मेरा रूल यही है कि मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता हूँ। तो आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी? लोम नुआ से ही पूछ लेता है कि तुम्हें कौन सी अच्छी लगी? नुआ कहता है क्या मुझे? लोम कहता है हाँ मुझे तुम्हारे ओपिनियन की ज़रूरत है। तो फिर नुआ सेलेक्ट करने लगता है और कहता है आप पर तो हर आउटफिट अच्छा लगता है, आप हैंडसम है इसलिए आप पर तो कोई भी ड्रेस सूट हो सकती है, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं। और फिर नुआ उनमें से एक फ़ोटो उठा कर कहता है इस ड्रेस में आपके शोल्डर और आपकी बॉडी से बहुत अच्छे से इनहेंस होगी, तो ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। लोम बस नुआ की तरफ देख कर स्माइल ही कर रहा था। तो नुआ लोम से कहता है क्या आप मुझे सुन भी रहे हैं? लोम नुआ का हाथ पकड़ लेता है और फिर उस ड्रेस को देख कर कहता है अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई तो फिर मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम पर पूरा विश्वास है तुम मेरे लिए कुछ अच्छा ही सिलेक्ट करोगे और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नुआ कहता है लेकिन आप खुश क्यों? तो लोम नुआ के नज़दीक आकर कहता है क्योंकि तुमने मुझे हैंडसम कहा। नुआ अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है और फिर स्माइल करने लगता है। अब जब नुआ एक के साथ डिनर कर रहा था तो वह खुद से ही बातें किए जा रहा था और वह लोम के बारे में कह रहा था वह कितना ज़्यादा क्यूट है, तो मैं उसे अगली कैसे कह सकता हूँ, उसकी ब्रॉड शोल्डर है और वह गुड लुकिंग भी है, हालांकि उसने मुझे बहुत सारे पैसे पे किए लेकिन फिर भी मैं उसे अगली नहीं कह सकता। यही जब नुआ को नोट करता है तो वह कहता है तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो? नुआ कहता है मैं एक सीरीज़ के मेन लीड के बारे में कह रहा हूँ। यही कहता है ओ मुझे तो लगा कि तुम लोम के बारे में बातें कर रहे हो, तुम कह रहे थे कि वह हॉट है, ब्रॉड शोल्डर है और उसका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है, वह बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है जैसा तुम्हें चाहिए था। तो फिर नुआ कहता है बकवास करना बंद करो। यही कहता है मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ इसलिए मैं अच्छे से वाकिफ हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो इस पर नुआ कहता है वह मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। यही कहता है नुआ किसी हैंडसम मैन को एडमायर करना इसमें कोई गलत बात नहीं है, कहानी तो तब चेंज हो जाती है जब तुम उसके प्यार में पड़ जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम सब कुछ खुद से हैंडल कर लोगी। नुआ अपना पाउट बनाने लगता है और कहता है मैं काम के अलावा उसे पर्सनली नहीं मिलना चाहता। तो यही नुआ के सर पर नोट करके कहता है अगर तुम इसी तरीके से अपना क्यूट फेस बनाते रहे तो कौन तुमसे प्यार नहीं करेगा। और तभी नुआ के पास लोम का मैसेज आता है। लोम ने लिखा था मैंने एक होटल देखा है तो जब भी तुम फ्री हो हम लोग साथ देखने चलते हैं। ओके गाइस आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।